आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। बरेली से बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, अशरफ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, सुरक्षा कारणों की वजह से वर्चुअली पेशी होगी। अतीक के भाई अशरफ की आज वर्चुअली कोर्ट में पेशी होगी। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में होनी है पेशी, सुरक्षा कारणों की वजह से वर्चुअली अब पेशी होने वाली है अशरफ की। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में अशरफ की पेशी होनी है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से अब वर्चुअली ही अशरफ की पेशी होने वाली है। तो बरेली से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है सामने, अशरफ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से अब अतीक के भाई अशरफ की जो पेशी है कोर्ट में वो वर्चुअली होने वाली है। इससे पहले अशरफ को प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में लाया जाना था। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए सवाल फिर वही उठ रहा है, सुरक्षा कारणों की वजह से क्या वाकई अब वर्चुअली पेशी होने वाली है अशरफ की? देखिए अब आपको बता दूं कि कल से ही पुलिस प्रशासन और मीडिया और तमाम जो तंत्र है वो अलर्ट पर है, क्योंकि अशरफ को बरेली से प्रयागराज जेल लेकर जाना था, सीजीएम कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी, लेकिन जिस तरह से लगातार सुबह से सभी सुरक्षा चाक चौबंद है और भारी लश्कर के साथ भारी पुलिस फोर्स यहाँ बरेली में जिला जेल के बाहर मौजूद है, लेकिन चूंकि अब दोपहर के लगभग 11 बजने वाले हैं और 8 घंटे का रास्ता है प्रयागराज का, लिहाजा जो आशंका है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि अब अशरफ की जो पेशी है वो जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और इससे पहले अशरफ जो बयान दे चुका है उसको लेकर जो है उसके वकील और उसके जो परिजन है वो बहुत मुखर है। जी बिल्कुल आशीष, कहीं वर्चुअली पेशी का कारण वो तो नहीं कि जिस तरह से अशरफ को धमकी दी गई थी कि इसी तरह से जेल से बाहर निकालेंगे और काम खत्म कर दिया जाएगा? देखिए ये बयान अशरफ ने दिया था, लेकिन चूंकि अशरफ ने ये आरोप जो है कि किसी बड़े अफसर पर लगाया है, तो लिहाजा ये एक तरह से मीडिया को और सबको भ्रमित करने की कोशिश थी कि इस बहाने उसको अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन चूंकि अशरफ एक हाई प्रोफाइल मुजरिम है और जिस तरह से ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल है और एक लंबा रास्ता तय करना है बरेली से प्रयागराज तक का, लिहाजा ये माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते अब अशरफ की जो पेशी है वो सीजीएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कराई जाएगी, क्योंकि दोपहर के 11 बज चुके हैं, अशरफ अभी भी जिला जेल के अंदर है और अब अगर उसको प्रयागराज लेके जाते हैं तो लगभग शाम के 7 बजे तक वो पहुंचेगा, जिसके बाद वहां पर पेशी संभव नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम।